कैंपस लॉबी ऐसा हो कि खेलने का मन ही ना करे, तो ऐसे ही कैंपस लॉबी में हम लोग खेल रहे थे। तगड़ा तो फाइट होता है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक इधर ही फाइट होता है, तो लास्ट में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, फिर से आ चुके हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। आज है 100 डेज 100 चैलेंज का डे 46 और डे 46 में मुझे चैलेंज किया स्नेहा शर्मा ने कैंपर्स लॉबी में एक तगड़ा गेम प्ले दिखाने के लिए। कैंपर्स लॉबी में गेम प्ले बनाना तो ईजी नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक गेम प्ले लेके आ चुके हैं जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड सर्किल तक एक ही जगह पे फाइट होगा। तो जानने के लिए गेम को जल्दी से शुरुआत करते, तो इसी के साथ ही मैच का शुरुआत हो जाता है निंजा कॉलोनी में। अब उतरते गन मिल जाते हैं और एक बंदा ओपन से आ रहा था जो मेरे ऊपर ही रस कर रहा था। सच्चा इस चचा का कचुम्बर बना के मेरा किल का शुरुआत हो जाता है, लेकिन इस चचा के पास गुलाब का फूल था। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या करने के लिए आया था कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इस सीजन का सबसे बड़ा गलती कर देते हैं हम ये सी बिल्डिंग पे रस करके, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक इधर ही फाइट होने वाला है। अब ऊपर एक पूरा स्क्वाड होता है तो हम ऊपर रस करते दिन देखो गाइस क्या ही होता है। ऊपर एक पूरा स्क्वाड होता है, लेकिन उसी टाइम पे मुझे नीचे से भी फुटस्टेप आता है कि नीचे से भी कोई पुश कर रहा है। लेकिन ये होता है हम लोग का आदरणीय बॉट चचा। देयर गाइस आगे से दो बंदा हम लोग के ऊपर ही पुश कर रहा था। एक बंदे को नॉक करके हम रोटेशन नहीं देते, लेकिन बंदा अंदर चला जाता है। लेकिन पीछे वाला बिल्डिंग पे भी एक बंदा था, लेकिन मेरा दोनों टीममेट्स को मार के पूरा ही खा लेता है। अब मेरा एक ही टीममेट्स बचा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए मुझे रसी करना पड़ेगा सामने। शॉटगन चचा का तो पेटी बना देते, लेकिन देखो दो बंदे को नॉक फिनिश कर देते, लेकिन मेरा लास्ट टीममेट्स पे नॉक है। ऊपर से गाइस और एक स्क्वाड हम लोग के ऊपर रश कर देता है। अब बंदा सामने ही है, लेकिन ये चचा तो भागते ही जा रहा था। लेकिन और एक बंदे को हम पकड़ लेते हैं। अभी भी हम मेन स्क्वाड को पकड़ नहीं पाए जो ऊपर ही कैंप कर रहा है। अब कैंप कर रहे तो अकेला जा नहीं सकते, तो हम रोटेशन मारते और थोड़ा बहुत लूट करते, दिन गैस वो लोग ही रस कर देता है। मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक करते हैं और बाकी बंदा मुझे सामने ही दिख रहा था, तो अब एक ग्रेनेड करते हैं, लेकिन एक मेरा टीममेट ग्रेनेड पे घुस जाता है, तो टीममेट्स के साथ साथ एक बंदा भी नॉक होता है। तो मुझे लग रहा था कि इस राइट पे और बंदा होगा, तो हम राइट पे जाते हैं तो देखो बंदा सीढ़ी पे ही होता है। अब बंदा टीममेट्स को रिवाइव नहीं देगा, सबसे पहले फिनिश करेगा, क्योंकि कैंपर्स का निशान ही है फिनिश करना। देयर गाइस रिकॉल होके वापस सी बिल्डिंग पे आते, लेकिन ये वाला स्क्वाड हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। एक
तो उजी है, ऊपर से डैमेज भी हो चुके थे, तो फाइट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हम नीचे आ जाते। आ गया। जैसे तैसे करके बच के हम एवल बिल्डिंग पे आ जाते, तो गाइस इधर मुझे हीलिंग भी मिल जाती, तो हील करके हम सोच रहे थे छत से उल्लू के ऊपर रस किया जाए। लेकिन ये लोग छत पे भी फील्डिंग बैठा के रखा है, तो छत से भी जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेरा ही पेटी बनने वाला है। तो हम नीचे से फिर से वापस यही वाला बिल्डिंग पे आ जाते, तो आगे से और एक स्क्वाड रश कर रहा है। अब मुझे लग रहा था गाइस ये वाला बंदा तो पक्का रश करने वाला है, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि इसका स्क्वाड भी कैंपर स्क्वाड होता है। अब ये लोग क्या दिमाग लगाते हैं आप लोग ही देखो। एक बंदा वहां पे है, मौली किया बंदा ऊपर। एक बंदा रस किया था, तो उसका पेटी तो बना नहीं पाए, नॉक तो कर देते। धीरे धीरे पीछे हिल करने के लिए आते, लेकिन इसका एक टीममेट पीछे घर के ऊपर कैंप कर रहा था। देखो अब हम क्या बोले गाइस, क्या ही बोले, कुछ भी समझ में नहीं यार। लेकिन इधर जो बचने वाले हैं ना गाइस, आप लोग ही देखो। अरे इन्होंने तो स्मोक कर दिया। जैसे तैसे करके हम बच तो जाते, लेकिन मेरे पास भी हीलिंग नहीं होता, मेरा टीममेट्स के पास भी हीलिंग नहीं है, और ये मेरा आखिरी टीममेट्स है, बाकी दोनों टीममेट्स मर चुका है। तेरे के हम लूटी कर रहे थे, उसी टाइम पे मेरा आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाता है। चारों तरफ कैंपर्स के बीच में अकेला बचना इजी तो नहीं है, लेकिन हम ठान लेते कुछ भी हो जाए इधर से सब कैंपर्स का नामो निशान मिटा के जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते आप लोग ही देखो। बाहर भी वॉल पे एक बंदा कैम्प कर रहा था, तो ओपन से हम रस करने के लिए उसके ऊपर जाएंगे, तो ऊपर वाला मेरा पेट ही बना देगा। तो हम रोटेशन मार के लेफ्ट वाला बिल्डिंग पे आते, जिनके से एक बॉट चचा भी आता है। वॉल का पीछे वाला कैंपर्स मेरा किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके किल तो मिल जाता है, दिन चचा लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो चलो गाइस अब इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि पीछे से पड़ने का कोई डर ही नहीं है। इस चचा का इंटरनेट का प्रॉब्लम था या क्या था मुझे नहीं पता, इसका पेटी बना देते, लेकिन अभी भी दो स्क्वाड कैम्प कर रहा है। तो गाइस अगर अभी तक मेरा गेम प्ले आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, अगर कोई नया देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई समझ के थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और आप लोग को मुझे चैलेंज देना है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में चैलेंज जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ कहां से चैलेंज करोगे गाइस ये भी बता देना। अब वापस ऊपर आते तो देखो गाइस, वो काला वाला जो डब्बा दिख रहा है उसके ऊपर भी एक बंदा कैम्प कर रहा है। बंदे को थोड़ा बहुत तो डैमेज देते, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता, लेकिन ये बंदा भागने वाला भी नहीं है, क्योंकि दूर से बहुत डीपी चलाएगा। दिन गए रोटेशन मार के आगे वाला बिल्डिंग पे आते, क्योंकि मेन स्क्वाड को अभी तक हम मार नहीं पाए। तो गाइस देखो अब इसको कैसे नॉक करते हैं। एक बंदे को नॉक करके तुरंत हम रस कर देते, लेकिन एक चचा के वजह से हम थोड़ा लेट हो जाते, तो बंदा रिवाइव भी हो जाता है। अब उसी बिल्डिंग पे ऊपर आते तो पता चलता है ये लोग भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सर्कल बहुत छोटा हो चुका है, अच्छा खासा डैमेज भी पड़ रहा था। तो बंदा सामने ही है,
बंदे को स्मोक में थोड़ा बहुत तो डैमेज देते, देन गाइस लेफ्ट साइड वाला बिल्डिंग पे वापस आते क्योंकि मुझे रोटेशन मारना है क्योंकि वॉल के पीछे ही बंदा है। सर्किल में बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था लेकिन कोई बात नहीं, जब तक सारा कैंपर्स को खत्म नहीं करते तब तक इधर से नहीं निकलेंगे। अभी से और एक कैंपर्स खत्म कर देते, लेकिन रुको जरा अभी भी दो कैंपर्स बाकी है। एक बंदा सैक के पीछे कैंप कर रहा है इतना तो पता है, और एक बंदा नॉक भी हो जाता है, लेकिन दूर से एक डीपी वाला कैंपर्स भी होता है लेकिन बंदे ने सैक वाला बंदे को नॉक कर देता है, तो तुरंत हम क्लोज इन करते हैं। अब और एक कैंपर्स खत्म हो जाता है, अब आखिरी वाला डीपी वाला कैंपर्स होता है, अब मेरे पास हीलिंग खत्म हो जाता है, तो हम उन लोगों को लूटने ही जा रहे थे उसी टाइम पे देखो क्या होता। अच्छा हुआ कि हम पहले से बूस्ट करके रखे थे और सोड भी यूज कर रहे थे, देन गाइस डीपी वाला बंदा ज्यादा जोश में आगे आता है। आइए क्या ही बोलेगा इस, मजा आ गया, फाइनली सब कैंपर्स का पेटी बना देते। लेकिन एक सच बात बता, इससे ज्यादा मेहनत कोई भी गेम प्ले में मेरा नहीं लगा था। अगर मेरा टीमर्स ये वाला वीडियो देख रहा है तो उनको तो पता ही होगा अब सर्कल बहुत ज्यादा छोटा हो गया था। अब जैसे तैसे करके हम सर्कल में तो जाते, लेकिन 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 गलत सीन जरूर होगा। भले ही मेरा 13 किल्स हुआ है लेकिन इस लॉबी में 13 किल्स करना भी इतना इजी नहीं है। देन आगे जा रहे तो सामने से एक पूरा स्क्वाड आता है। अब हम चारों तरफ से फंस गए थे, क्या ही कर सकते, कोई बात नहीं गाइस चैलेंज तो पूरा हो जाते। तो इसी के साथ ही आज का गेम प्ले इधर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।